रमजान के इस महीने में जो आप सबके साथ इफ्तार में शामिल होने का नसीब मुझे मिला है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत नसीब वाली समझती हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक मौका है आप सबसे मिलने का और आप सबसे समझने का कौम के बारे में और ज्यादा इस्लाम के बारे में। जितने भी अच्छे बातें होती हैं वो सारे सुनने की मिलती है और सियासती बातें तो बहुत करते रहते हैं हम साल भर, लेकिन रमजान के इस पाक महीने में जिस महीने में हमें कुरान शरीफ इस दुनिया पे नवाजा गया है, ऐसे महीने में मुझे लगता है ज्यादा हम इस्लाम के बारे में जानें, ज्यादा हम इस्लाम के बारे में बात करें और ज्यादा अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए रमजान का यह महीना किस तरीके से काम आता है उसके बारे में ज्यादा बोलना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि रमजान के इस पाक महीने में जो हम रोजा रखते हैं, मुझे लगता है इससे सोसाइटी में जितने भी अमीर और गरीब के जो डिफरेंसेस होते हैं वो सारे के सारे रख जाते हैं। अमीर से अमीर आदमी को भी भूख का दर्द का पता चलता है, एहसास होता है उसको कि जो बंदा पैसे नहीं है, जो गरीब है, उसका भूख का एहसास होता है और उससे आदमी जकात की तरफ आगे बढ़ता है। कुछ ना कुछ अपने पास जो अल्लाह मियां ने हमें नवाजा है जिस दौलत से उसको शेयर करने के लिए वो आगे बढ़ता है, तो जरूर इंसान अपने आप को बेहतर करते हुए आगे चलता है। और मुझे सबसे ज्यादा पसंद इस महीने के बारे में यह है कि आम तरह से लोग अपनी गलतियां नहीं मानते, लेकिन रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें गुनाह भी लोग कबूल कर लेते हैं और अपने आप को गुनहगार खुदा के सामने बताने से जितने भी हमने गुनाह करते हैं, खुदा तो बहुत बड़े दीजिए हैं, उसने हमें ये जिंदगी दी है तो हमें जरूर माफ भी करेंगे। और इससे पांच महीने में जरूर दुनिया के जितने भी लोग हैं वो अगर अपने गुनाह कबूल करके आगे बढ़ेंगे तो बेहतर ये दुनिया होती चली जाएगी। और साथ में जितने भी आपस में दोस्तों में जो भी गिले शिकवे हैं वो सारे भी बात खत्म कर लेते हैं लोग, तो मैं तो बस इतना ही दुआ करूंगी इस रमजान के पांच महीने में कि जितने भी हमारे पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के नाम पे जितने भी गिले शिकवे एक दूसरे के साथ लगा के हमने आपस में वैर करने की जो कोशिश करते हैं वो सारे गिले शिकवे हम कबूल कर लेंगे और सारे अगर माफ करके एक अमन और पीसफुल तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये रमजान महीने का जो मतलब है जिसके लिए रमजान महीना इस दुनिया में आया गया मुझे लगता उसका एक बेटर यूटिलाइजेशन होगा। और साथ में बस हम इतना ही कहना चाहते हैं जितने भी लोग मंदिर जाते होंगे, बहुत लोग मस्जिद भी जाते हैं, थोड़े लोग माला घुमा कर जप करते हैं, थोड़े लोग किताब पढ़ के उनका प्रेयर करते हैं, लेकिन खुदा उन सभी में नहीं रहता। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि खुदा वहां पर रहता जहाँ पे हम भूखे आदमी के भूख को पहचान के उनको रोटी देने का दिल रखते हैं और खुदा उनके साथ रहेगा। जहाँ पे बेघर को हम पना देने की कोशिश करेंगे तब खुदा हमारे साथ रहेंगे। तो ऐसे अच्छे महीने में नव रमजान के ये पाक महीने में बस हम आप सबसे इतना ही गुजारिश करेंगे कि हमारे रियासत तेलंगाना आने के बाद जरूर हम मुसलमान कौम के लिए जितना भी हुकूमत के तरीके तरफ से कर सकते हैं उसे कर रहे और भी आगे करते जाएंगे। इंशाल्लाह आप सबके दुआ होगा, आप सबके सपोर्ट होगा तो जरूर आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि केसीआर साहब तो आप सभी जानते हैं वो तो हमदर्द है, माइनॉरिटियों के हमदर्द है, चाहते वो तय दिल से कि जो शाही दर्जा हमारे मुसलमान भाइयों का पहले था आगे चल के वो शाही दर्जा हमें वापस आ सके। तो बराबर हम मुसलमान कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के तरफ से और ये कोशिश में बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जो है वो 12% रिजर्वेशन का है। तो उस 12% रिजर्वेशन करने से तरक्की में एकदम से एक डेवलपमेंट आ सकता है, तो उसके तरफ हम जरूर कोशिश कर रहे हैं। और वापस इस इफ्तार के टाइम पे रमजान के इस पाक महीने में जगत्याल के इस किले से हम पूरे माइनॉरिटी कम्युनिटी को आश्वासन देना चाहते हैं कि 12% रिजर्वेशन के लिए हमारी गवर्नमेंट पूरी कमिटमेंट के साथ है और कमिटमेंट के साथ काम भी कर रहा है। तो आज नहीं तो कल बराबर हमारे सबके दुआ कबूल हो जाएंगे और ये रिजर्वेशन भी मुकम्मल हो जाएगा ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ। और साथ में बस इतना ही कहना है जगत्याल के जितने भी हमारे माइनॉरिटी भाई है यहाँ पे, इन सबका मैं नाप तो नहीं ले पा रही आज क्योंकि पूरा स्टेज आप
सबसे सब एक से बढ़कर एक साहब है जो हमारे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप सबको थैंक यू से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और बस एक ही आपसे वादा करूंगी कि जब तक केसीआर साहब के साथ में हुकूमत है और केसीआर साहब को आपका सपोर्ट है, रियासत तेलंगाना में पूरे पूरे चैन और अमन के साथ एनआरके भाई बहन रह सकते और पूरा पीसफुली हिंदुस्तान में जैसा भी माहौल होने दीजिए, तेलंगाना में उसका असर बिल्कुल भी हम पढ़ने नहीं देंगे। बिल्कुल आपका सिक्योरिटी के लिए, आपका तरक्की के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना। जो भी लोग यहां हजरात खड़े हुए हैं, बागों में भी इफ्तार का इंतजाम दिया गया, बैठ सकते हैं आराम से, बागों में बैठ सकते हैं आप लोग। मैं मौलाना से दुआ की जरूरत, हेलो भैया, हेलो हमारे सलाम के ताल्लुक से सोचते हैं अल्लाह, इनकी मेहनतों को कामयाब फरमाइए, अल्लाह इनकी काविशों को कामयाब फरमाइए, अल्लाह हमेशा आपस में मिलजुल करने की तौफीक अता फरमाइए, अल्लाह इनकी दावत से अल्लाह नवाजी, अल्लाह हाजिर मजलिस की मफ़िरत फरमाइए, अल्लाह यहाँ पर मुस्लिम नवाज मुस्लिम जितने भी भाई हैं यहाँ पर मौजूद है, अल्लाह इन तमाम इबादत को मुकम्मल फरमाइए, अल्लाह हम सभी के रोजों को अल्लाह इबादतों को बेहतर फरमाइए, अल्लाह खुसूस जो इफ्तार का नजर किया गया अल्लाह इसे बेहतर फरमाइए, अल्लाह जिन हजरात ने भी जिस अंदाज में टेस्ट भी साथ दिया है अल्लाह इनकी मेहनतों को कामयाब फरमाइए, अल्लाह जो मामले के अलाउ भी अदा फरमाइए, जो मामले फिर से अदा फरमाइए, इफ्तार के बाद अजान होगी और यहीं पर सीधी जानिब नमाज मगरिब का एहतमाम किया गया है। आप तमाम हजरात से मैं ख्वाहिश करता हूं कि मगरिब की नमाज के बाद ताम का नज़्म है, आप सभी हजरात बराए मेहरबानी फारिग होकर भी मामा